हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आज मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ, आज मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये नियम आपके पढ़े हुए हैं फिज़िक्स में, तो इसको आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कुछ नियम हैं जिन पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इन नियमों को जानना ज़रूरी होता है, तो हम आज इन नियम को देखेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकत्व का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई विद्युत अपघटन है, उसका विलयन या उसकी गलित अवस्था में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने का जो गुण होता है उसे कहा जाता है विद्युत अपघटनी चालकत्व। और इसके कुछ पद हैं जिनको हम परिभाषित करते हैं। सबसे फर्स्ट है ओम का नियम, ओम्स लॉ। आपने पढ़ा हुआ होगा ओम का नियम। इसके अनुसार ये ओम का नियम क्या बताता है, इसके अनुसार विद्युत अपघटनी चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के दो बिंदुओं के मध्य, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक इस तरह से एक तार है जिसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। इसके ये दो पॉइंट बैटरी से जोड़ दिया है, यहाँ पर हमने अमीटर लगाया है जिससे हम विद्युत धारा को नापेंगे, विद्युत धारा कितनी है उसको नापेंगे। और ये जो दो पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के विभवों का अंतर, इन दोनों के विभव का अंतर जो है, ये जो है यहाँ पर हम लगा देते हैं वोल्ट मीटर, इससे हमें इन दोनों के विभव का अंतर वोल्ट में मिल जाएगा, विभवांतर वोल्ट में मिल जाएगा। अगर हम इनके विभव को माने, ये वाला विभव हो V1 और ये हो V2, तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू हो जाएगा V2 माइनस V1, यानी दोनों के विभवों का अंतर, ये है माइनस और ये है प्लस। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो I है, यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित अगर हम करते हैं तो चालक के दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर आता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V जो है वो समानुपाती हो जाएगा I के। V यहाँ पर है विभवांतर और I यहाँ पर है विद्युत धारा। अब V इज इक्वल्स टू, ये समानुपाती का चिन्ह अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा V इज इक्वल्स टू RI। R यहाँ पर प्रतिरोध को दर्शाता है, यदि हम R को आगे ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन I। तो यहाँ पर I जो है वो है विद्युत धारा, R जो है वो है प्रतिरोध और V जो है वो है विभवांतर वोल्ट में। चालकता जिसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। इसका मतलब इसे चालकता को C से दर्शाते हैं, यानी C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन R। यहाँ पर प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक होता है ओम, इसे ओम से दर्शाते हैं, तो जो C होगा चूँकि ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है तो C जो होगा वो ओम इन्वर्स होगा। इसे मो भी कहा जाता है या फिर इसे सीमेन भी कहा जाता है, S से इसको डिनोट किया जा सकता है। यानी कि चालकता की जो इकाई होती है, कंडक्टिविटी की जो इकाई होती है वो होती है मो या ओम इनवर्स या सीमेंस। अब हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, यानी रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है कि ये जो R होता है, प्रतिरोध जो होता है वो L के समानुपाती होता है, यानी कि किसी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई तार है, कोई लंबा तार है, उसकी लंबाई जितनी अधिक होगी, जितना वो लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, यानी कि उसमें से विद्युत धारा उतनी ही मुश्किल से पास होगी। लेकिन
जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसकी मोटाई जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा और विद्युत धारा आसानी से पास होगी। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, R जो है वो समानुपाती है L के और R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है A के, यानी प्रतिरोध समानुपाती है चालक की लंबाई के और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R इन दोनों को अगर हम साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा R समानुपाती L अपॉन A, या फिर ये जो समानुपाती का निशान हम अगर हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो जो है वो एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर हम देखें कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक यदि हम देखें तो इस फॉर्मूले से अगर हम रो को आगे ले आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन L। R हमें पता है R का मात्रक होता है ओम, और A का मात्रक होता है चूँकि मोटाई है, मोटाई का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू ओम सेंटीमीटर, या फिर इसको हम ओम मीटर से भी दर्शा सकते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि लंबाई हमने एक सेंटीमीटर ली है और जो मोटाई है यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमने एक वर्ग सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ पर ये दोनों की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो। इसका मतलब ये है कि किसी विद्युत अपघटनी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ओम में उसका वह प्रतिरोध है जब चालक की लंबाई जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो भी 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो विद्युत अपघटनी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब हम देखते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसका मतलब होता है किसी विद्युत अपघटनी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध हमने दर्शाया था, इसको रो से दर्शाते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कप्पा से दर्शाते हैं। कप्पा इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ये करके इसको इस तरह से सी टाइप सी शेप में। तो ये कप्पा जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ विशिष्ट प्रतिरोध का, तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, R इंटू 1 अपॉन रो है, 1 अपॉन रो का पर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दिया है। हमें पता है चालकता जो होती है वो बराबर होती है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के, यानी कि 1 अपॉन R का मतलब यहाँ पर चालकता से है, C से है, यानी कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू L अपॉन A। अगर मैं इसका मात्रक देखना चाहूँ तो इसका मात्रक जो है वो हो जाएगा रो इन ओम इनवर्स C के लिए, और सेंटीमीटर इन्वर्स क्योंकि यहाँ पर है सेंटीमीटर, और इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर ये कट गया और ये सेंटीमीटर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो ये हो जाएगा कप्पा का मात्रक हो जाएगा ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स, या फिर ओम इन्वर्स को सीमेंस भी कहा जाता है, एस से डिनोट किया जा सकता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा एस सेंटीमीटर इन्वर्स, ये भी हो सकता है। अब हम एक और टर्म देखते हैं, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। अभी तक मैंने आपको जितने भी बताए हैं, मैंने आपको बताया है कि प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होता है और विशिष्ट चालकता क्या होता है। अब हम देख रहे हैं सेल स्थिरांक। पहले जो मैंने बताए हैं वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, और ये सेल कांस्टेंट जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेल कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं या सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। सेल स्थिरांक का मतलब होता है एक सेल है, हर एक सेल का सेल स्थिरांक अलग अलग होता है। मान लेते हैं एक सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है,
दो इलेक्ट्रोड हैं। इन दोनों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जिसको हम L से दर्शाएंगे और इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम A से दर्शाएंगे। तो जो दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन दोनों के अनुपात को सेल स्थिरांक जी स्टार से इसको दर्शाते हैं, सेल स्थिरांक कहा जाता है। दो समानांतर इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो सेल स्थिरांक जी स्टार कहलाता है। सेल स्थिरांक हर एक सेल के लिए अलग अलग होता है और ये सेल पर डिनोट होता है, सेल पर लिखा हुआ होता है कि इस सेल का सेल स्थिरांक इतना है। यानी कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस सेल में, किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है और इनके इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ये हम किसी भी सेल के सेल स्थिरांक से पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं देखना चाहूँ कप्पा के सूत्र को, कप्पा यहाँ पर है विशिष्ट चालकता, कप्पा के सूत्र को यदि हम देखना चाहूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R L/A। यहाँ पर L/A जो है वो इसके बराबर है G स्टार के, तो यहाँ पर हो जाएगा कप्पा इज इक्वल्स टू 1/R × G स्टार। यानी कि विशिष्ट चालकता मतलब हो सकता है सेल स्थिरांक अपॉन आर यानी प्रतिरोध, और कप्पा इज इक्वल्स टू हो सकता है C × G स्टार। C हमें पता है 1/R होता है, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। तो कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा चालकता इंटू सेल स्थिरांक। अब हमने जो जो पढ़ा है इस वीडियो में उसको हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा है ओम का नियम। ओम का नियम दर्शाता है कि जो विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित की जाती है तो वो उन दो पॉइंट के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती होता है I के, या फिर इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू आर आई। आर यहाँ पर दर्शाता है प्रतिरोध को, तो यहाँ पर यदि हम R देखें तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा V/I, यानी प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा I के, विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होगा और विभवांतर के समानुपाती होगा। अब हम देखें चालकता क्या होता है। चालकता जो होती है, चालकता को हम C से दर्शाते हैं और ये C जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती हैं, यानी कि चालकता जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती हैं। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही कम चालकता होगी। अब यदि हम देखें कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध मैंने आपको बताया, विशिष्ट प्रतिरोध को ये दर्शाने के लिए हम देखेंगे कि प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है L के, यानी कि जितनी ज़्यादा चालक की लंबाई होगी उतना ही अधिक प्रतिरोध होगा। और जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई के, चालक की लंबाई के तो बड़ा समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास बन जाता है R/L/A। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा R = ρLA। यहाँ पर रो जो है वो दर्शाता है विशिष्ट प्रतिरोध को। रो अगर L का मान हम 1 मान लें और A का मान भी 1 मान लें तो R = हो जाएगा रो। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई के चालक और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब यदि हम देखें कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता को हम कप्पा के थ्रू समझाते हैं। विशिष्ट चालकता जिसको हम दर्शाते हैं कप्पा से दर्शाते हैं, इसका मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध का
विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वो विशिष्ट चालकता कहलाता है। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है और विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। और इसका अगर हम सूत्र देखना चाहें तो यहाँ पर हो सकता है कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर मैंने रो का मान यहाँ पर लिख दिया है। अब 1/r जो है हमें पता है कप्पा इज इक्वल्स हो जाएगा 1/r, हमें पता है c होता है तो इंटू हो जाएगा l अपॉन ए, तो ये वाला सूत्र भी यहाँ पर हो सकता है। और लास्ट हमने देखा था सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल कांस्टेंट जिसको कि g स्टार से दर्शाया जाता है। सेल कांस्टेंट किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी कि g स्टार इज इक्वल्स टू होता है l अपॉन ए। यहाँ पर L क्या है, L है दो समानांतर इलेक्ट्रोड, हमें ये पता होना, ये ध्यान रखना है कि वो श्रेणीवृत होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए इलेक्ट्रोड। दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को दर्शा रहा है और A दर्शा रहा है उन इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, तो इसे कहते हैं G स्टार। तो अगर मैं इस पर इसमें मान रखना चाहूँ तो हमें पता है कप्पा इज इक्वल्स टू होता है 1/r l अपॉन ए। l अपॉन ए क्या है, जी स्टार है, तो कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी स्टार अपॉन r, या फिर कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा c इंटू जी स्टार। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे फार्मूलेज निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतने फार्मूलाज देखे हैं, आपको इनको याद रखना है क्योंकि इनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ेंगे। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।